नमस्कार, मैं काजल निशा। साथियों, मुझे एक बात बताइए, मैं सारी जनता से कह रही हूं कि मुझे एक बात बताइए कि कोई यहां हमारे भारत में ये कह देता है कि हमें आजादी जो है वो 99 साल की लीज पर मिली है, या फिर हमें आजादी भीख में मिली है, तो आप सहन कर लेते हो? आपको सहन हो जाता है? मतलब आपको क्या ये नहीं लगता कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हो रहा है? आपको नहीं लगता है क्या? आपको नहीं लगता है कि आप खुल के बोलना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए? मैं मानती हूं कि किसी को गांधी जी पसंद नहीं होंगे, कोई गांधी जी को गाली दे रहा होगा, कोई नेहरू जी को गाली दे रहा होगा, लेकिन बाकी और लाखों लाखों हमारे शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों, क्या वो भी आपको पसंद नहीं थे? क्या उन्होंने भी आपका कुछ बिगाड़ा था कि उनके लिए भी आप आवाज नहीं उठाएंगे? उनका क्या? आपका जो है वो जो जिगरा है वो सहन कर लेता है कोई ऐसा कुछ भी बोल के चला जाता है तो? आपकी भावना आहत नहीं होती है क्या? नहीं आहत होती है? तो 15वीं अगस्त को या 26वीं जनवरी को आप भारत माता की जय मत बोलिएगा, है ना? आप अपने प्रोफाइल पर वो भारत माता की जय और मेरा भारत महान और तिरंगा ये सारे फोटो मत लगाइएगा ना। क्यों लगाएंगे? आपको मान सम्मान नहीं है अपने भारत के लिए? भारत में कितने लाखों करोड़ों हमारे स्वतंत्र सेनानी जो शहीद हुए, इतनी पीड़ा के बाद, इतनी यातनाओं के बाद हमारा देश आजाद कराया, उनके लिए मान सम्मान नहीं है? तो एक दिन के लिए फर्जी राष्ट्रवाद मत कीजिएगा। नहीं भी करेंगे तो कोई क्या कर लेगा? आप कुछ बोलेंगे नहीं क्या? मतलब आपके देश में ये जो है वो बंटवारा हो गया है क्या? भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करने वाले लोग या भारतीय जनता पार्टी में विलय किए हुए लोग, अगर कोई कुछ भी बोलेगा, राम के बारे में बोलेगा, भारत के बारे में बोलेगा, हमारे शहीदों के बारे में बोलेगा, सैनिकों के बारे में बोलेगा, किसानों के बारे में बोलेगा, तो वो सही है। उनके लिए हमें एक शब्द आवाज नहीं उठाना है। लेकिन कोई और अगर बोलेगा तो उन पर मुकदमा दर्ज होगा, FIR हो जाएगी, वीडियो पे वीडियो बनेंगे, ट्वीट करेंगे लोग, ट्वीट करेंगे, ट्विटर ट्विटर खेलेंगे, पोस्ट पोस्ट खेलेंगे, है ना? ये है क्या? बंटवारा हुआ है क्या? कंगना रानावत ने कहा कि भीख में हमें आजादी मिली है, तो ये सच है क्या? उसने कहा कि 2014 के बाद हमें आजादी मिली है, तो ये सच है क्या? आपको सच लगता है क्या? नहीं लगता है तो आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? मैं हमेशा ही कह रही हूं कि जहां कुछ गलत हो रहा है वहां बोलना शुरू कीजिए। किसके लिए अच्छे नागरिक बन रहे हैं आप? सिर्फ वर्तमान सरकार के लिए? तभी भी तो अच्छे नागरिक नहीं है आप अच्छे नागरिक बन के अपने बेटे को पुलिस के हवाले करते हैं कि लीजिए भाई, अगर मेरा बेटा दोषी है तो सजा दीजिए। अच्छे नागरिक बनकर आप अपने बेटे को पुलिस के हवाले करते हैं तो भी क्या हो जाता है? पुलिस कस्टडी से फिर आपको अपने बच्चे की लाश मिलती है ना, तो क्या फायदा हुआ अच्छा नागरिक बनके? क्या कर लेंगे आप? और कितना अच्छा नागरिक बनना है आपको? जबरदस्ती आपसे बुलवाया जाता है कि अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे बेटे ने आत्महत्या ही की और पुलिस ने बहुत अच्छा व्यवहार किया मेरे साथ। जबरदस्ती अनपढ़ पिता है, फिर भी पुलिस ने अपने से ही कॉपी में सब कुछ लिख दिया और अंगूठा लगवा दिया। कुछ नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपके घर का मामला नहीं है ना, आपके घर का मामला नहीं है ना, इसलिए आप बोलेंगे नहीं। कल को आपके घर पे वो मामला होगा, कुछ घटना होगी, तो कौन बोलेगा? कब दिखाओगे आप एकता भारत के लिए? मान सम्मान नहीं है क्या भारत के लिए? एक
एंकर शो करती है और वहां पे कंगना रनौत हमारे देश का मजाक उड़ाती है, हमारे शहीदों का मजाक उड़ाती है, इतना निंदनीय बयान देती है, भीख में मिली है आजादी हमें ये कहती है, तो कुछ लोग ताली बजा रहे हैं बेशर्मों की तरह। मतलब उन्हें भी लगता है कि हां कंगना सही बोल रही है, और वहां बैठी एंकरा उसे भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी और ने बोला होता तो तांडव हो जाता, तांडव हो जाता, 4-5 महीने मीडिया बिल्कुल व्यस्त हो जाती, तुरंत टंगवा देते जिसने बोला उसको तुरंत। लेकिन यहां ऐसा नहीं है ना, पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है ऐसा बोलने पर। और ये सारी चीजें, ये सारी बकवास आपको बर्दाश्त हो रही है? नहीं, मैं जनता से ही कह रही हूं, आपको बर्दाश्त हो रही है ना? कुछ नहीं बोलना है आपको। अभी ये सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो बनाइए, लेखनी के माध्यम से आवाज उठाइए, मैंने तो कहा है ना, तो लिखिए, वीडियो बनाइए, बोलिए कि ये गलत है, इतना तो बोल सकते हैं ना। उसमें तो आपके ऊपर यूएपीए नहीं लग जाएगा ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट नहीं लग जाएगा ना। तो बोलिए, मुंह खोलिए, और इतना भी आप नहीं बोल सकते हैं, गलत को गलत नहीं बोल सकते हैं, तो अपने प्रोफाइल में वो डीपी मत लगाइएगा, तिरंगा वाला, भारत माता की जय, ये सब 15 अगस्त और 26 जनवरी को मत कीजिएगा, ठीक।